जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 105वां सम्मान दिवस समारोह है, जहां पूरा जननायक परिवार रोहतक मेला ग्राउंड के उस पावन मैदान पर पहुंचकर एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। साथियों, 11 महीने पहले जब एक सफर की शुरुआत हम सब साथियों ने मिलकर करी, जब लोग हमें कहा करते थे कि तो 200-300 छोरों का टोल, विपक्ष में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग ऐसे हमारे बारे में बात किया करते थे कि प्रदेश के अंदर युवा क्रांति नहीं ला सकते, मर्द जैसे ही ईंट जोड़कर एक मकान बनाया जाता है। ये इस टीम की मेहनत है कि पिछले 11 महीनों के अंदर चाहे उपचुनाव, लोकसभा का चुनाव, अपने मकान को इतना मजबूत कर लिया कि आज मुख्यमंत्री भी आपको चुनौती मानता है, कांग्रेस पार्टी भी आपको चुनौती मानती है, और जो दल ये कहा करता था इनका अस्तित्व क्या, ये तो समाप्त हो जाएंगे, आज उस दल की ये हालत है कि उस दल के नेताओं को टीवी पर बैठकर कहना पड़ता है कि अगर मेरे को घर बैठने की बात कर दी जाएगी तो मैं घर बैठने का भी काम करूंगा। साथियों, मुझे याद है जींद का उपचुनाव, जब ऐसी ऐसी बातें कही गई आपके बारे में सत्ता में बैठे लोगों से और विपक्ष में बैठे लोगों से कि ये लोग इस चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, पर ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की लगन है जिसने आज पार्टी को 90 के 90 हलकों में तो जहां एक मजबूती से खड़ा किया। प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को खाट फेंकने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव सामने आया तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी को इस प्रदेश में जिताया था। और साथियों, ये भी विश्वास आपको दिला देता हूं कि आगामी 22 तारीख को जब हम मिलकर रोहतक के उस पावन धरा से चौधरी देवीलाल जी को नमन करेंगे, उस प्रदेश के अंदर उस दिन ये समाचार भी भेजने का काम करेंगे कि प्रदेश के अंदर जिस मैदान में कांग्रेस ने अपना दम दिखाने का काम किया, बगावती तेवर हुड्डा साहब ने दिखाए थे और पुत्र मोह में जाकर कांग्रेस की गोद में बैठने का काम किया, जहां खट्टर साहब कहते थे कि 4 लाख पन्ना प्रमुख आएंगे, वहां खट्टर साहब ने 50,000 कुर्सियां लगाई थी और 30,000 भी नहीं भर पाए। ये वादा मैं आपको कर जाता हूं, एक कुर्सी भी लगाने के काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैदान पूरा भरकर दिखाने का काम। साथियों, ये विश्वास चौधरी देवीलाल की उस सोच पर जो किसान कमेरे को एक ताकत देने के, किसान कमेरे को आगे बढ़ाने आज प्रदेश का नेतृत्व देने का काम कर रही है। मैं तो एक जरूर चीज बोलना चाहूंगा साथियों कि प्रदेश के अंदर जो खट्टर साहब एक ईमानदारी का चोला पहनकर करोड़ों रुपए सरकारी खजाने की इस यात्रा में लगाकर बैठे, करोड़ों रुपए का टेंट रोहतक में लगाने का काम किया प्रधानमंत्री की रैली के लिए, उसको जवाब देने को भी तैयार। एक हमारे कहावत है कि सूदी छिपकली मच्छर जड़े खावे, कि सूदी छिपकली मच्छर ज्यादा खाया करती। साथियों, एक लिबास पहन लिया ईमानदारी का, और उस ईमानदारी के लिबास के अंदर यमुनानगर के जगाधरी के लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ के स्थानीय विधायक ने इलीगल माइनिंग को किस तरीके से बढ़ाने का काम, आप जानते हो किस तरीके से कांग्रेस और लोकदल के नेताओं ने साथ मिलकर 5 साल एक बार भी उनका विरोध करने का काम नहीं। साथियों, अगर आज वो माइनिंग इन बड़े बड़े पूंजीपति विधायकों के मंत्रियों के पास ना होकर अगर आप जैसे कमेरे वर्ग के लोगों के हाथ में होती तो शायद जगाधरी का भला हो जाता। साथियों, रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते। महाराज, ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जिनके कोर्टों ने लाइसेंस कैंसिल कर दिए, मगर डीसी एसपी लीगली उनको परमिशन देकर कहीं ना कहीं यमुना को खुदवाने का भी काम कर रहे हैं। और ये
ये पत्रकार साथी बैठे हैं, इनको तो याद होगा मुख्यमंत्री की गाड़ी में 1.5 घंटे इस ओवरलोडिंग के, इस इलीगल माइनिंग के कारनामे में फंसी थी और मुख्यमंत्री कहकर गए थे कि FIR दर्ज हो, लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, 1000 से ऊपर FIR दर्ज होगी। मगर आज तक एक व्यक्ति को भी अरेस्ट करने का काम नहीं, सिर्फ शायद एक कांग्रेस के नेता को अरेस्ट किया था, वो भी इसलिए किया था कि दोनों का आपस में डिस्प्यूट बढ़ गया। साथियों, वही दूसरी ओर उठाकर देखें, ये ईमानदारी का चोला, 5000 करोड़ का ओवरलोडिंग गबन माइनिंग सेक्टर में महेंद्रगढ़, भिवाड़ी और दादरी जिले के अंदर सामने आया। यही ईमानदारी का चोला पहनकर ये बिजली के मीटर जो दुकानों के घरों के बाहर इन लोगों ने लगवाने का काम किया, इसके अंदर 100 करोड़ रुपए खाने का काम किया। हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने माना है और तथ्यों के साथ माना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां ये किलोमीटर स्कीम पे प्राइवेट बसों को चलाया गया रोडवेज की जगह, 1000 करोड़ के आसपास का घोटाला उसके अंदर भी। और तो और साथियों, इन्हें SC ST भाइयों को भी नहीं छोड़ने का काम किया, जिनके बच्चों को स्कूल में जाते थे, जो मेरिट पे आते थे उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। आप सोच कर देखो कि सरकार ने 4 जिलों के अंदर 24 करोड़ से ऊपर रुपया SC ST स्कॉलरशिप का खाने का काम किया। साथियों, नौकरी का लिबास पहन रखा है कि हमने नौकरी ईमानदारी से, 1 रुपये की 17,000 नौकरी जिसके लिए 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, उसको ईमानदारी बोलते हैं? वो ईमानदारी नहीं, सबसे बड़ा बेईमाना था। आप खुद उठाकर देखो, जिस प्रकार से ग्रुप डी के अंदर आज PM की, चपरासी की, बेलदार की, नाई की, धोबी की, इन छोटी छोटी पोस्टों के लिए आज PhD करे हुए, MSc, MCA, MTech करे हुए बच्चों को फॉर्म भरने पड़े। और ये वाक्य तो सिरसा का है, कोई पत्रकार साथी भी वेरीफाई कराना है करा लेना कि सिरसा के अंदर वेटनरी विभाग के अंदर एक लड़का PN भर्ती हुआ और उस PN की डिग्री थी MCA की। MCA तो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद पोस्ट पे कोई एग्जाम क्लियर करता है, उस पद पे आता है, और वो इसलिए आता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई सीनियर मैनेजर लगेगा, किसी बड़े अहदे पे लगेगा। बर्बाद खट्टर साहब, उस बच्चे के भविष्य के साथ आपने ईमानदारी नहीं बरती, उस बच्चे के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, और खिलवाड़ ऐसा कि 20,000 की नौकरी के लिए उसको आज मजबूर कर दिया कि 3rd क्लास 2nd क्लास अफसर के नीचे उस बच्चे को जो 1st क्लास अफसर बनना दिया था, आपने 4th ग्रेड नौकरी पे बिठाकर आज पानी पिलाने का काम किया है। साथियों, ये ईमानदार लोग हैं जिनकी सरकार में 1-1 करोड़ रुपए के अंदर जुडिशरी का पेपर बिका, एक पत्रकार साथी ने दोबारा नहीं लिखने का काम किया। आप खुद देखो कि हाईकोर्ट के जज की इंक्वायरी हुई, जब वहां घपला होने लगा तो इंक्वायरी को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में भेजा गया। आज तक इस सरकार ने इंक्वायरी नहीं आने दी, क्योंकि इनको पता है जिस दिन उस इंक्वायरी की पोल खुलेगी तो कई इनके लोग, कई उच्च अधिकारी, कई BJP से जुड़े लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये ईमानदार लोग हैं जिनकी सरकार में 2.5-2.5 लाख रुपए के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर रेवाड़ी के अंदर बिकता हुआ पाया। आज लोग झज्जर की जेलों में बंद, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने रातों रात रिजल्ट आउट कर दिया। साथियों, कहते थे बंपर नौकरियां दे, बंपर नौकरियों का वादा करने वाली सरकार, ये तो बताए 3 महीने में कितने बालकों के हाथ में नौकरी। आज तो धरातल की तस्वीर है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 2 महीनों में जब से हमारी अर्थव्यवस्था गिरी है, कम से कम 70,000 युवा प्राइवेट नौकरियों से बेरोजगार हुए। 1,000 तो शायद एक बड़ी कंपनी ने गुड़गांव में निकालने का काम किया, और ये अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं। जिस तरह के आज हालात मोदी जी ने देश में बनाए, जरूर 370 की बात करी जाएगी, पुलवामा की बात करी जाएगी, देश हित के लिए एक एक हिंदुस्तान का नागरिक उनके साथ, पर देश में देश हित से पेट पाला नहीं जाएगा। मैं सुन रहा था संतोष गंगवार जी उत्तर प्रदेश के अंदर 9वीं बार MP बनकर आए, बहुत सीनियर BJP के नेता है, केंद्र के मंत्री हैं। वो कल बयान देते हैं कि उत्तर भारत के लोगों में काबिलियत नहीं,
इसलिए उनको नौकरी मिली। साथियों, काबिलियत की बात करते हैं, मुझे ये बताओ आपके जगाधरी के अंदर जब इस सड़क पे आया पॉपुलर की कितनी फैक्ट्रियां हैं। आज के दिन उन पॉपुलर की फैक्ट्रियों में हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। आप यमुनानगर में चले जाओगे बर्तनों की कितनी फैक्ट्रियां हैं, अधिकतम आज उन फैक्ट्री के अंदर लेबर जो है वो उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर लाई जाती है, क्योंकि किसी में मादा नहीं है कानून बढ़ाने का। हरियाणा के बच्चों को रोजगार, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि प्रदेश में राज बना के दिखा दो, जैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कानून पारित किया था कि हर बुजुर्ग को जो 60 साल से ऊपर है 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी। जिस दिन प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये वादा मेरा है, पहली कलम से कानून पारित होगा तो हर नौकरी, चाहे वो सरकार